हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निजी कंपनियों में 30,000 तक वेतन वाले पद स्थानीय लोगों के लिए होंगे आरक्षित। झारखंड सरकार प्रदेश में खुलने वाली निजी कंपनियों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित करवाना चाहती है। इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आने की योजना है। बिल पास होने के बाद यह कानून का रूप लेगा, लेकिन इससे पूर्व कैबिनेट की अनुमति आवश्यक होगी। इसी उद्देश्य से श्रम विभाग ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार तैयार प्रस्ताव में 30,000 तक के जो है तमाम नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान होगा। जो कंपनियां इसकी अवहेलना करेगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि निजी कंपनियों में लेखा कार्य से जुड़े कर्मी, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी स्थानीय होंगे। प्रस्ताव पर विधि विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की अनुशंसा भी प्राप्त किया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाशिवरात्रि पर शिवालय में उमड़ी भीड़, बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बोलबम से गुंजा मंदिर। महाशिवरात्रि के मौके पर गुरुवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम समेत सभी जो है शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। बाबा बैद्यनाथ धाम में बुधवार की रात से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। इधर पुलिस प्रशासन ने भी जो है सुरक्षा की कड़ी जो है व्यवस्था कर रखी थी। रात में जो है शिवालय में भगवान शिव व माता पार्वती का शुभ विवाह कराया गया। 27 साल में पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम में कोरोना महामारी के कारण महाशिवरात्रि पर जुलूस, बारात और झांकी नहीं निकाली गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है शिवगंगा सरोवर में एनडीआरएफ की टीम को भी प्रतिनियुक्त किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं रहे पलामू के अंतिम जो है स्वतंत्रता सेना नीलकंठ सहाय। स्वतंत्रता संघर्ष की आंखों देखी कहानी बयां करने वाले पलामू के एकमात्र अब जीवित नहीं रहे। स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय ने गुरुवार को सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली है। 2 माह पहले ही परिजनों के साथ जो है उन्होंने 99वीं जो है वर्षगांठ मनाई थी। नीलकंठ बाबू ने दोपहर 1 बजे शहर के थाना रोड स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही जिले के अधिकारियों समेत जो है विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के लोग उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 22 दिसंबर 1922 को नीलकंठ बाबू का जन्म मेदिनीनगर के जो है अमला टोली मोहल्ला में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवा नीलकंठ बाबू कई आंदोलन में भाग ले चुके थे। 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे काफी सक्रिय थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का सख्त निर्देश, निजी अस्पतालों में बढ़ाएं कोरोना का टीकाकरण। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड सरकार कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में जुट गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव के सोन ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को जो है कोरोना का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों के संचालकों के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने इसे प्राथमिकता देने को कहा है। साथ ही उन अस्पतालों को शीघ्र टीकाकरण शुरू करने के निर्देश दिए हैं जो अभी तक शुरू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आ रही है तो वे जो है अभिलंब विभाग के समक्ष रखें ताकि उसे दूर किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में रखी स्कूल और मदरसा की आधारशिला, बोले गांव से लेकर शहर तक में दिखेगा बड़ा बदलाव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल गुरुवार को राजधानी रांची के कांटा टोली के जो है कुरेसी मोहल्ला स्थित जो है इद्रिस कॉलोनी में अल कुरेस जो है तालीम मिशन स्कूल एवं जो है मदरसा निर्माण को लेकर आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मदरसा का ऐसा मॉडल पहले नहीं देखा, ऐसा प्रयास हो कि यह झारखंड के लिए मॉडल के रूप में स्थापित हो। आप सभी को जो है विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में रहने वाले समूह और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़बिल्ला रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन में लगी आग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दक्षिणपुर रेलवे के चक्कलधरपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत जो है राजखरसावा बोलनी रेलखंड में पड़ने वाले उड़ीसा के जो है बड़बिल्ला रेलवे स्टेशन से गुजर रही एक मालगाड़ी के इंजन में अचानक आग लग गई। इंजन से आग की लपटें और धुआं उठता देख प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। घटना गुरुवार दोपहर 2:15 बजे की है। दमकल कर्मियों ने करीब जो है 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर घूस लेते गिरफ्तार, धनबाद में जमीन के म्यूटेशन के लिए मांगी थी रिश्वत, 2016 में भी घूस लेते हुआ था अरेस्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को अंचल विभाग के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर मुनिंद्र झा को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। मुनिंद्र झा को एंटी करप्शन के ब्यूरो की टीम ने अपने कार्यालय ले गई है। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जमीन म्यूटेशन के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। 2016 में भी मुनिंद्र झा को 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका नाला आसनसोल रोड पर हादसा, देवघर से पूजा कर लौट रहे थे रानीगंज, साइकिल सवार को बचाने में कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत।
नाला थाना क्षेत्र स्थित जो है घोलजोड़ा गांव के पास दुमका नाला आसनसोल मेन रोड पर गुरुवार सड़क हादसे में कार सवार दो युवक की मौत हो गई है, जबकि साइकिल सवार समेत चार लोग जख्मी हो गए हैं। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से टकरा गई और जो है पलट गई। कार सवार जो है देवघर से पूजा कर रानीगंज लौट रहे थे, इसी दौरान जो यह दुर्घटना हुई है। मृतकों की पहचान महेश शर्मा 35 वर्षीय और दीपक दे जो है 37 वर्षीय के रूप में की गई है। घायलों में कार सवार जो है गुरुदीप सिंह, पवन सिंह और जो है परविंदर सिंह और जो है साइकिल सवार जो है सुरेंद्र हांसदा शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लगवाया टीका। वैक्सीन लगवाने वाले सरकार के पहले मंत्री, कहा यह पूरी तरह से सुरक्षित। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को कोरोना का टीका लगवाया। वित्त मंत्री ने रांची के निजी हॉस्पिटल हिल यू में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया। सिस्टर जो है नीली रोज बारवा और सिस्टर निभा रानी ने इंजेक्शन लगाया। वही जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर संगीता राय ने पूरी प्रक्रिया का संचालन किया। सामान्य लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद हेमंत सरकार के प्रतिमंडल में रामेश्वर उरांव पहले मंत्री है जिन्होंने टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कटते कटते बची नाक, लालू यादव के गार ने तकिया गद्दा लौटाया, रिम्स को राहत। काफी जो है हिला हवाली और जो है बेइज्जती के बाद आखिरकार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिता रजात सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गार्ड ने रांची के रिम्स हॉस्पिटल को जो है तकिया और गद्दा लौटा दिया है। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के जो है अल्टीमेट के बाद लालू यादव के सुरक्षा जवानों ने रिम्स के जो है बेड वापस कर दिए हैं। इस तरह जो है रांची पुलिस की छवि धूल होने से बच गई है। इससे पहले रिम्स अस्पताल की ओर से रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को चिट्ठी लिखकर लालू यादव प्रसाद की सुरक्षा में तैनात जवानों से तकिया गद्दा दिलवाने की गुहार लगाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जहरीली गैस से तीन लोग की मौत, कुएं में पंप निकालने के दौरान हुआ हादसा। एक दूसरे को बचाने में पिता पुत्र और भतीजे की गई जान। लातेहार के बालूमाथ ब्लॉक के बालू पंचायत के पाली टोला में गुरुवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है। मृतकों में पिता पुत्र और भतीजा शामिल है। घटना कुएं में फैली जहरीली गैस के चपेट में आने से हुआ है। एक दूसरे को बचाने के दौरान जो है तीनों की जान चली गई है। कुएं से पंप को बाहर निकालने के दौरान पहले बेटा कुएं में गिरा, उसे निकालने के लिए पिता कुएं में गए तो वह भी वहीं गिर गए। दोनों को बाहर निकालने के लिए कुएं में उतरा भतीजा भी गैस की चपेट में आ गया। ग्रामीणों की मदद से जो है तीनों को बाहर निकाला गया और अनन फनन में जो है अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो है डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड मेडलिस्ट फॉरलेंस बार्ला के परिजनों से मिले वीडियो, दिया अनाज व कंबल। अगस्त में चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड जो है यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स के लिए चयन की गई जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट जो है कामडारा की बेटी फॉरलेंस बार्ला के परिजनों की आर्थिक संकट व समस्या की खबर मिलते ही गुरुवार को वीडियो रविंद्र कुमार गुप्ता ने क्षेत्र के जो है रेडवा पंचायत स्थित जो है गांव नावाडी में जाकर एथलेटिक्स जो है फॉरलेंस बार्ला के परिजनों से मुलाकात कर उनकी जो है वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इसके बाद उनकी जो है मां जो है रेजलिया आइजिया को तुरंत 50 किलो चावल और जो है 5 कंबल दिए। वही जो वीडियो श्री गुप्ता ने स्पॉट पर ही राशन कार्ड के लिए दिए गए आवेदन की जाँच की और बताया कि उसका राशन कार्ड बन गया है। जल्द ही अगले माह से नियमित रूप से प्रत्येक माह उन्हें 40 किलो अनाज मिलने लगेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।